नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत प्यारा सा पैटर्न शेयर करने वाली हूं। बहुत खूबसूरत लगता है ये पैटर्न। हम इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो जेंट्स स्वेटर हो, लेडीज़ कार्डिगन हो, बेबी सूट हो। चार सिलाइयों में बनने वाला ये प्रोजेक्ट बहुत सुंदर लगता है, बनाने में बिल्कुल आसान है। 4 रो रिपीट पैटर्न है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबा दें, घंटी को भी बजा दें। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। फ्रेंड्स, इसे मैं पहले थोड़ा सा आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। देखिए, ये बैक साइड से इस तरीके का दिखता है, बहुत खूबसूरत पैटर्न है। तो चलिए हम इसे यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप बनाना सीख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 6 के मल्टीपल में फंदे डालकर 2 एज स्टिच ले लिए हैं। देखिए, 6 प्लस 6 प्लस 2, 6 प्लस 6 प्लस 2 फंदे हमने ले लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, राइट साइड फर्स्ट सिलाई, देखिए पहला, ये हमने 4 फंदे, चौथा फंदा हम यहाँ से पहले ले रहे हैं। देखिए, इस तरीके से चौथा फंदा हमने पहले ले लिया है। आप चाहें तो इन्हें इस तरीके से टर्न कर सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो मैं इन्हें यहाँ पर आपको शिफ्ट करके दिखाती हूँ। 4 फंदों को हमने, 1 फंदे को 3 फंदों से आगे लेकर आए हैं। एक, अब इन 4 फंदों को हम बिल्कुल सीधा बना लेंगे। 2 3 4, देखिए 4 फंदे हमने बना लिया। पैटर्न के बचे हुए 2 फंदों को भी हम सीधा बना लेंगे। 1 2, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 6 फंदे हैं, इन्हें हम रिपीट करेंगे। फिर से हम वही करेंगे, 4 फंदों को इस तरीके से हम चौथे फंदे को 3 फंदों के आगे लेकर आएंगे। चौथे फंदे को 3 फंदों के आगे इस तरीके से लेकर आएंगे। 1 2 3 4, अब ये बचे हुए 3 फंदे, 2 पैटर्न के और 1 ऐसी स्टिच, इन्हें भी हम सीधा बुन लेंगे। रो 2 रॉन्ग साइड, सभी फंदों को हम उल्टा बुनते हुए रॉन्ग साइड कंप्लीट करेंगे। रो 2 रॉन्ग साइड, हमें सभी फंदे उल्टे बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए, रो 3 देखेंगे, एज स्टिच उतार लेंगे। अब देखिए, 1 2, 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए और ये जो पहला फंदा है हमारा 3 फंदों के इधर जाएगा, पीछे, आगे से पीछे, ये इस तरीके से। देखिए, 1, इन फंदों को वापस से अपनी नीडल पर लेकर आ जाएंगे। 1 2 3 4, ये देखिए हमारे 6 फंदे हो गए हैं और यही 6 फंदे हमें बार बार रिपीट करने हैं। 2 फंदे पहले बना लेंगे और ये वाला फंदा 3 फंदों के पीछे जाएगा। ये वाला फंदा हमारा 3 फंदों के पीछे जाएगा। अब इन्हें हम नीडल में अपनी लेकर
वापस से नीडल पर भर लेंगे और इन्हें सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सभी फंदों को हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट का एज स्टिच बुन देंगे। ये तीन सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथी सिलाई उल्टी तरफ से, चौथी सिलाई उल्टी तरफ से। इस सिलाई के सभी फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करनी है ये सिलाई। इस निडिल में मैंने 14 फंदे लिए थे। 6 6 2, 6 प्लस 6 प्लस 2, 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक सिलाई और आपको बनाकर दिखा देती हूँ। बस यही 4 सिलाइयाँ आपको बार बार रिपीट करनी है। ये देखिए, यहाँ से ये चौथा फंदा हम आगे लेकर आएंगे और इन इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। पिछली फर्स्ट सिलाई में मैंने आपको शिफ्ट करके बताया था और इस सिलाई में आपको इसी तरीके से बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, पहले चौथा फंदा हमने बनाया है, उसके बाद में 1 2 3, अब चौथे फंदे को भी गिरा देंगे, 2 फंदों को बना लेंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए चौथा फंदा, चौथे फंदे को थोड़ा सा लूज करके पहले चौथे फंदे को आप इसी नीडल पर ऐसे ही बना लीजिए और गिराएंगे नहीं। अब ये पहले के 3 फंदे 1 2 3 और 2 फंदे ये भी बना लेंगे और 1 फंदा ये सीधा। पैटर्न तो आपका 4 सिलाइयों का ही है। ये मैंने सिर्फ आपको तरीका बताने के लिए बनाया था। देखिए, आप बस यही 4 सिलाइयाँ रिपीट करते जाएंगे, आपका खूबसूरत सा पैटर्न तैयार हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए।